नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। टनकपुर तवाघाट नेशनल हाईवे में लगातार जगह जगह भूस्खलन हो रहे। नेशनल हाईवे के कर्मचारी के द्वारा आम जनमानस की सुविधा के लिए नेशनल हाईवे खोलने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। चंपावत सूचना विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किलोमीटर 154 गुरना संतोला, किलोमीटर 164 सिंगला लिसाड़ी एवं किलोमीटर 166 सिंगदा पोस्ट ऑफिस के पास मलबा व पत्थर आने के कारण मार्ग बंद है। किलोमीटर 106 सोमवाला में भी भारी मलबा आने के कारण मार्ग बंद है। वहीं सूचना विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड पार्टी के भिंगराड़ा बालकृष्ण एडी मंदिर के पास लैंडस्लाइड हो गया है। संवाददाता मोहित शर्मा के साथ महेंद्र सिंह बिष्ट की खास रिपोर्ट। यह है रीठा साहिब धुनाघाट रोड जो कि रीठा साहिब को जाती है और इसी रोड पे जो भिंगराड़ा का जो एडी मंदिर में जो मेला लगता है वो इसी प्रांगण पे लगता है। जबकि आपको मैं ये बता दूं कि 2020 में जब आपदा आई थी तब ये रोड लगभग दो मीटर लगभग नीचे धस गई थी और उसके बाद आज 2024 है। कितने नेता आए, कितने नेता गए, कितनी सरकारें आई, लेकिन इस रोड की किसी ने कोई भी सुधि नहीं ली। आज ये रोड लगभग अब ख़त्म होने के कगार पे है। और जहाँ की भिंगड़ा का जो एडी मंदिर है, प्रसिद्ध मेला जो यहाँ लगता है उसमें भी खतरे की चपेट में। और आप आगे देख रहे होंगे कि जो ये धर्मशाला बनी है ये तो लगभग पूरी तरह से चल ही गई है। लगातार 4-5 सालों में कई बार न्यूज़पेपरों में दिया गया और कई बार वीडियो में खबर चलाई गई कि रोड खतरे में है, लेकिन विभाग ने लीपा पोती ही की और साल भर में कभी मिट्टी डाल दी जिससे कि लेवल पर आ गया। और आज इतना भयंकर खतरा हो गया कि लगभग भिंगड़ा मार्केट के अस्तित्व को भी खतरा हो रहा है। देखिए आगे जो दुकानें हैं वहाँ नीचे लैंडस्लाइड होने का पूरा खतरा है, वो भी किसी भी समय जा सकती है। धर्मशाला पूरी तरह चली गया है और जिससे कि और रीठा साहिब को जो प्रसिद्ध गुरुद्वारा जो रोड रीठा साहिब को जाने वाली ये भी अब पूरे खतरे के कगार पे है। अगर नीचे से लैंडस्लाइड होती है तो फिर दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है। और आगे आप देखे होंगे जितने भी मकान हैं वो भी खतरे की चपेट में और किसी भी समय कोई भी अनहोनी हो सकती है। प्रशासन ने लगभग 4 साल हो गए हैं और इन 4 सालों में कोई भी सुन नहीं ली मिट्टी भरने के अलावा। जबकि 4 साल में आप एक ऐसा रोड तैयार कर सकते थे, लेकिन कहते हैं कि जब तक कुछ कोई कांड ना हो तब तक कोई भी सुध नहीं लेता है। लेकिन प्रशासन को जागना चाहिए। रीठा साहिब जाने वाली मेन रोड है, अभी तक उसमें मिट्टी भरने के अलावा आज तक कुछ हुआ नहीं है। और आज स्थिति यह है कि सब कुछ जाने के कगार पे। आप देख रहे हैं ये नीचे पूरा 4 के 4 मिट्टी जो ये भर चुकी है और नीचे से पूरा लैंडस्लाइड होने का लैंडस्लाइड हो रहा है। और लोग इस समय इतने आपदाग्रस्त हैं कि लगातार देख रहे हैं। ये देखिए ये पूरा खतरा है। लोग तरह तरह की अफवाह हैं और ये आप सामने देख रहे हैं कि लगातार मिट्टी अपना स्थान छोड़ रही, रोड अपना स्थान छोड़ रही और सभी लोगों के यहाँ खतरा पड़ा है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।